अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारे वजीफे, बहुत सारे ऐसे अमल जिन्हें करके आप अपनी जो भी आपके मसले हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वजीफा जो कि आपकी मदद करेगा अगर आप करना चाहते हैं लव मैरिज। जी हाँ, अगर आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि उसके साथ आपका निकाह हो जाए तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने के लिए आपको 1 महीना लगेगा। जी हाँ, 1 महीने के अंदर अंदर आपकी मोहब्बत का रिश्ता आपके साथ हो जाएगा। आप इसे शादी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो दुआ आपको पढ़नी है वो है या लतीफू, ये दुआ आपको पढ़नी है 30 रोज। याद रखिए दोस्तों, आपको ये 30 रोज तक करनी है या लतीफू। आपको क्या करना है, ईशा की नमाज के बाद, जी हाँ, 11 बार आपको दुरूदे पाक पढ़ना है और 129 बार, इसको आपको 129 बार या लतीफ़ू बोलना है और आपका काम हो जाएगा। 30 रोज़ तक, मैंने जैसा कि आपको बताया, ईशा की नमाज के बाद आपको 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद 129 बार या लतीफ़ू बोलना है। जिस समय आप ये कर रहे होंगे, ये अमल जिस समय आप इस्तेमाल में ला रहे होंगे, उस समय आपको अपनी मोहब्बत का जो नाम है, आपकी मोहब्बत का नाम आपके जहन में होना चाहिए, उनकी तस्वीर आपके जहन में होनी चाहिए और कोई बात आपके जहन में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत का नाम और उनकी तस्वीर आपके जहन में चलनी चाहिए। उस समय आप ईशा की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद 11 बार दुरूद पाक पढ़ें और 129 बार या लतीफ़ू बोल दें। या लतीफ़ू बोलने के बाद ही आपको 30 रोज़ के अंदर अंदर ही आपकी मोहब्बत के परिवार वालों की तरफ से ही रिश्ता आ जाएगा और वो आपसे शादी करने के लिए तैयार होंगी। आपकी मोहब्बत को आपसे और भी ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत हो जाएगी और उन्हें आपसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। इस वजीफे का इस्तेमाल कीजिए और अगर आपका कोई और सवाल है, कोई और परेशानी है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर दोस्तों।